मोर्टिलिटी रेट, मोर्टिलिटी रेट बेसिकली हमारे पास क्या है, मेजर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्रेंस ऑफ डेथ इन डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग स्पेसिफिक टाइम इंटरवल। हम मोर्टिलिटी बेसिकली हम कहते हैं डेथ रेट को कहते हैं, सही है, कि हमारे पास कितने परसेंट की या कितने फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ हो रहा है इन डिफाइंड पॉपुलेशन स्पेसिफिक एरिया, हमारे पास पॉपुलेशन वो भी डिफाइन होगा ड्यूरिंग स्पेसिफिक इंटरवल, सही है। हम कहते हैं कि मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट को हम सेम तरीके से मेजर करते हैं, सही है, लेकिन हमारे पास डिफाइंड, हम बेसिकली हम कहते हैं कि सेम तरीके से हम मेजर करते हैं, लेकिन हम मेजर करते हैं कि हमारे पास चॉइस हम पे है कि हम क्या मेजर करें, इलनेस मेजर कर रहे या डेथ मेजर कर रहे। अगर इलनेस मेजर कर रहे तो हमारे पास क्या होगा, मॉर्बिडिटी रेट होगा, अगर डेथ मेजर करें तो हमारे पास मोर्टिलिटी रेट होगा, सही है। फार्मूला हमारे पास क्या है मोर्टिलिटी रेट का, हम कहते हैं डेथ ओकर इन अ गिवन टाइम पीरियड, हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ, साइज ऑफ द पॉपुलेशन एट मिड ईयर। हम कहते हैं कि हमारे पास डेथ रेशो क्या है, बेसिकली हम डेथ फ्रीक्वेंसी ऑफ डेथ इन डिफाइंड पॉपुलेशन एट मिड ईयर, और मिड ईयर हम बेसिकली हाफ ऑफ द ईयर मीन 1 जुलाई को कहते हैं, कि 1 जुलाई पर हमारे पास इस्टीमेशन पॉपुलेशन साइज क्या होगा, तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास 50 लोग मर रहे हैं, जबकि मिड ईयर पर इस्टीमेशन पॉपुलेशन जो है वो 1000 है मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसको हम वो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास डेथ क्या रेशो क्या होगा, 10 होगा, सही है। तो इस तरह हम ये कर सकते हैं, सही है, कि हमारे पास डेथ इन अ गिवन टाइप डिवाइडेड बाय साइज ऑफ पॉपुलेशन एट मिड ईयर मल्टीप्लाई बाय 1000। अब हम कहते हैं मोर्टिलिटी रेट हमारे पास 2 टाइप के हैं, एक है क्रूड मोर्टिलिटी और दूसरा है स्पेसिफिक मोर्टिलिटी, सही है। क्रूड मोर्टिलिटी हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास डेथ हो लेकिन खास जो है एनी खास डेथ किसी वजह से भी हो, तो उसको अगर उस डेथ को हम मेजर करें तो हमारे पास मोर्टिलिटी रेट होगा, सही है। क्रूड मीन नॉन स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट इज़ द मोर्टिलिटी रेट फ्रॉम ऑल काज ऑफ डेथ इन पॉपुलेशन। नॉन स्पेसिफिक यहाँ हम कहते हैं कि हमारे पास काज जो है वो अननाउन होगा, सही, एनी काज की वजह से हमारे पास डेथ हो जाए, मीन अगर हम कहते हैं ये पॉपुलेशन में अगर हम डेथ रेशो को मेजर करते हैं लेकिन हमारे पास ये पता नहीं है कि डेथ किस चीज़ की वजह से हुआ है, सही, तो उसको हम क्रूड मोर्टिलिटी रेट करते हैं, सही। इस तरह हम कहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ डेथ फ्रॉम ऑल काज इन ईयर, नंबर ऑफ पर्सन इन अ पॉपुलेशन एट मिड ईयर, हम कहते हैं कि मिड ईयर मीन्स 21 जुलाई में हमारे पास कितना एस्टिमेटेड पॉपुलेशन होगा वो है यहाँ पर लिखेंगे, और नंबर ऑफ डेथ हम ऊपर लिखेंगे, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रूड मोर्टिलिटी रेट आ जाएगा, सही, या इसको क्रूड डेथ रेट भी कहते हैं, सही है। बेसिकली कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, जिस तरह मैंने कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी मीन डेथ स्पेसिफिक काज, नाम से ही जाहिर हो सकता है कि हम इसमें जो है वो डेथ को और इस काइंड ऑफ डेथ को मेजर करेंगे जो जिसकी हमारे पास काज स्पेसिफिक हो, मीन हम कहते हैं कि पॉपुलेशन में जो लंग कैंसर से लोग मर रहे तो उसको अगर हम मेजर करें तो वो हमारे पास क्या होगा, स्पेसिफिक काज होगा। इस तरह हम टीबी से जो डेथ काज हो रहा है उसको मेजर कर सकते हैं, सही, इस तरह हम डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज जो है उसकी डेथ रेशो को या डेथ मोर्टिलिटी को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, काज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट इस्तेमाल करते हैं, सही है। सेम इस तरह इसमें जो नोमिनेटर होगा उसमें हम कहते हैं नंबर ऑफ डेथ लेकिन किस वजह से, लंग कैंसर से हो रहा है, और सेम इसी तरह नंबर ऑफ पर्सन इन द पॉपुलेशन एडमिट ईयर, सही है। तो ये हमारे पास कास्ट स्पेसिफिक, अगर मैं समराइज कर लूँ तो हमारा मोर्टिलिटी रेट बेसिकली डेथ रेशो को कहते हैं, सही है, वो 2 टाइप के हैं, एक है क्रूड मोर्टिलिटी और दूसरे है कास्ट मोर्टिलिटी। क्रूड मोर्टिलिटी में हम नॉन स्पेसिफिक मीन एनी काइंड ऑफ डेथ को स्टडी करते हैं, जबकि कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी में हम डेथ बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक कास्ट की वजह से हमारे पास डेथ कास्ट है उसको मेजर करते हैं, सही है। इस तरह एक स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि उसमें अब ये हमारे पास सब टाइप ऑफ क्या है, कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट के है, अगर हम उसमें एज मीन स्पेसिफिक एज ग्रुप को अगर हम मेजर कर रहे हैं पॉपुलेशन में कि कौन से एज ग्रुप के जो पर्सन है उनकी डेथ काज हो रही है, तो हम इसको हम क्या कहते हैं, कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट। यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि मोर्टिलिटी रेट लिमिटेड पर्टिकुलर एज ग्रुप के, हमारे पास डेथ रेट को हम मेजर करते हैं लेकिन पर्टिकुलर एज ग्रुप में। इस तरह हम कहते हैं कि नंबर फार्मूला क्या है कि नोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ डेथ एज ग्रुप, उस एज ग्रुप के हमारे पास डेथ होंगे,
और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ पर्सन इन दैट एज ग्रुप। मीन के हम कहते हैं कम्युनिटी में, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि हमारे पास एक क्लास है उसमें जो है 30 पर्सन है, सही है, और उसमें हमारे पास कितने पर्सन की डेथ काज हो रही है, तो हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक क्लास है उसमें जो हम कहते हैं कि फिफ्थ टू टेंथ ईयर तक चिल्ड्रन के फॉर एग्ज़ाम्पल 10 डेथ हो रहे हैं, सही है, और टोटल इस ग्रुप पे कितने पर्सन है 1000। तो इस तरह हम कहते हैं कि उसको जो स्पेसिफिक एज ग्रुप होगा उसको हम किस पे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर पर डिवाइड करेंगे, सही है। इस तरह अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल इन कलर इस तरह आता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इज परहैप्स द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर फॉर कंपेयरिंग हेल्थ स्टेटस अमंग नेशन। बेसिकली इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है ये हमारे पास हम मोस्ट कॉमनली किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, हेल्थ स्टेटस मेजर करने के लिए हम इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इस्तेमाल करते हैं, सही है। और यहाँ पर मोस्ट बात जो समझने की है ये है कि वो हम कहते हैं कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बेसिकली हमारे पास क्या है, रेशो है। जिस तरह लास्ट लेक्चर में मैंने कहा कि रेशो हमारे पास क्या है कि हम इसमें दो चीज़ों की कंपैरिजन करते हैं जिसमें हम कहते हैं कि वो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे, सही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि हम कहते हैं इन्फेंट डेथ रेट कौन सा है कि हमारे पास चिल्ड्रन जो है वो उनकी डेथ हो रही हो लेकिन एज जो है वो 1 ईयर से कम हो, सही है। तो इस तरह हम कहते हैं कि नंबर ऑफ डेथ एमोंग चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, के जो हमारे पास बच्चे जो है वो लेस देन 1 ईयर के जो है वो कितने मर रहे हैं और स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हमारे पास उन कितने बच्चों की जो है वो बर्थ हो रही है। तो आप देख सकते हैं इसमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, सही है, कि डेथ रेशो की और बर्थ रेशो की, लेकिन इन्फेंट रेट है, सही है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट है। तो इस वजह ये आप देख सकते हैं हमारे पास रेशो है क्योंकि डिफरेंट थिंग्स की हमारे पास यहाँ पे नॉमिनेटर में हमारे पास क्या है, वो जो है वो डेथ मीन हम कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हमारे पास डिनोमिनेटर में हम बर्थ रेट को मेजर कर रहे हैं, सही है। तो हमारे पास कंपैरिजन है, जब भी हमारे पास टू कंपैरिजन आएगा लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी को तो उसको हम रेशो कहते हैं, सही है। तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हमारे पास क्या है, रेशो है, सही है। हमारे पास जिस तरह हमने कहा कि अगर डेथ ऑफ चिल्ड्रन लेस देन 1 ईयर डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, सही है। इस तरह हम कहते हैं कि इन्फेंट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, न्यूनेटल हम कौन से बच्चों को कहते हैं कि जो बच्चे जो है वो लेस देन 28 डेज से हो, सही है, मीन लेस देन 28 डेज के हो, सही है। तो उन्हें न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट क्या क्या कहते हैं, हम उसमें मेजर करेंगे डेथ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 18, लेकिन इसमें 28 डे वाला जो है पेशेंट नहीं, वो बच्चा नहीं आएगा, सही है, जो लेस देन 28 से है वो इसमें आएगा, सही है। और उसमें हम जो नोमिनेटर में हम क्या लेंगे, नंबर ऑफ डेथ एमंग चिल्ड्रन ड्यूरिंग 28, डिनोमिनेटर में हम कह रहे हैं कि नंबर ऑफ बर्थ लिव बर्थ, सही है, कितने पैदा हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में और कितने बच्चे जो है लेस देन 28 वो मर रहे हैं, सही है। तो हमारे पास क्या शो करता है, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट शो करता है, और न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रेशो है क्योंकि ये कंपैरिजन है बिटवीन डेथ एंड बर्थ बट न्यूनेट के, सही है। तो इसको हम बेसिकली ये रेशो है। तो एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट हमारे पास बेसिकली क्या है, ये रेशो है, सही है। पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि डेथ ऑफ द चिल्ड्रन जिनकी एज हम कहते हैं कि 28 एज से ग्रेटर हो लेकिन 1 ईयर से लेस हो, क्योंकि 1 ईयर ऑफ चाइल्ड इसमें एज ग्रुप के 1 ईयर ऑफ जो चाइल्ड के एज ग्रुप है वो इसमें नहीं आएंगे, सही है। तो इस तरह ये हमारे पास सेम एज, लेकिन यहाँ इसको टर्मिनोलॉजी के बेस पे हम करते हैं कि पोस्ट न्यूनेटल मीन के हमारे पास 28 डे से जो बच्चों की एज हो वो ज़्यादा हो लेकिन लेस देन 1 ईयर हो, तो उसको हम कहते हैं, अगर उसकी मोर्टिलिटी रेट को हम
मैयर करना चाहे तो उसको पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट कहते हैं। सही है, नंबर ऑफ डेथ अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम 28 डेज अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग वन ईयर एज के, जो 28 से एज डेज से तो ग्रेटर हो लेकिन लेस देन वन ईयर से इसका एज जो है वो कम हो। सही है, इस तरह जो और इस टाइम पीरियड में हमारे पास नंबर ऑफ बर्थ रेट कितना है। सही है, ऑफ द सेम जो इस एज के बच्चों की ग्रुप है। सही है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये हमारे पास रेशो है नॉट रेट। सही है, तो अगर एमसीक्यूज में आ जाए पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, हमारे पास बेसिकली रेट है, रेशो है या प्रोपोर्शन, तो आप किस पे ऑप्शन पर टिक करेंगे? ये हमारे पास प्रोपोर्शन है क्योंकि कंपेरिजन है बिटवीन टू डिफरेंट क्वान्टिटी या डिफरेंट कैटेगरीज थिंग्स जो भी आ सकते हैं इसमें। सही है, फिर हम आते हैं हमारे पास क्या है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट इज़ रियली अ रेशो। ये भी हम सेम इस तरह करते हैं कि हमारे पास इसमें क्या है कि हमारे पास रेशो है यूज टू मेयर मोर्टिलिटी एसोसिएट विद प्रेगनेंसी। हम इसमें मोर्टिलिटी मेयर करते हैं जो कि हमारे पास प्रेगनेंसी से रिलेटेड हो। सही है, तो इसमें भी सेम हम कहते हैं कि हमारे पास नॉमिनेटर जो होगा वो मोर्टिलिटी रेट होगा जो प्रेगनेंट वोमेन में होगा 42 डेज आर हम कहते हैं प्रेगनेंट वोमेन में या विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय नॉमिनेटर में हम कहते हैं कि सेम उस तरह नंबर ऑफ लिव बर्थ ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। सही है, सेम उसी तरह जो हमने पिछली बार पढ़ा, तो ये भी हमारे पास रेशो है लेकिन हम उसमें मोर्टिलिटी रेट को मेयर करते हैं, एसोसिएशन है हमारे पास मोर्टिलिटी रेट एसोसिएशन विद प्रेगनेंसी है। सही है, इस तरह एज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि अगर हम कहते हैं कि उसमें अब ये हमारे पास सब टाइप ऑफ क्या है कास्ट स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट के है। अगर हम उसमें एज मीन स्पेसिफिक एज ग्रुप को अगर हम मेयर कर रहे हैं पॉपुलेशन में कि कौन से एज ग्रुप के जो पर्सन है उनकी डेथ काज हो रही है, तो हम इसको हम क्या कहते हैं कास्ट स्पेसिफिक। फिर हम आते हैं कि रेस स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट, इसमें भी हम जो है वो जो मोर्टिलिटी रेट मेयर करते हैं तो वो स्पेसिफिक रेस ग्रुप का होगा। सही है, और नोमिनेटर और डिनोमिनेटर हमारे पास स्पेसिफिक रेस के होंगे। सही है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से केस फर्टिलिटी रेट। बेसिकली केस फर्टिलिटी रेट हम कहते हैं कि इसमें हम और केस फर्टिलिटी रेट में जो एमसीक्यूज मोस्ट पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है वो है कि केस फर्टिलिटी रेट हमारे पास प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं कि नोमिनेटर जो है वो पार्ट है डिनोमिनेटर का। सही है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि केस फर्टिलिटी रेट हमारे पास क्या है कि परसेंटेज ऑफ पीपल हु हैव सर्टन डिजीज डाई के कितने परसेंट लोग स्पेसिफिक डिजीज से मर रहे हैं विद द टाइम आफ्टर डिजीज वाज डायग्नोज। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम जो है वो हमने डिजीज़ डायग्नोज कर दी है। सही है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि फॉर 100% को जो है वो टीबी हुआ है लेकिन 100 में से कितने परसेंट जो है टीबी से मर गए, तो ये हमारे पास केस फर्टिलिटी रेट है। सही है, तो इसमें हम कहते हैं कि नंबर ऑफ कास्ट स्पेसिफिक डेथ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट केसेस, कितने इंसिडेंट केसेस हुए हैं और उसमें से कितने डेथ हुई है उस पर्सन की। सही है, तो मोस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से फिर हम ये कहते हैं ये भी है कि हम जो है केस फर्टिलिटी रेट हमारे पास क्या मेयर करता है बेनिफिट फ्रॉम द न्यू थेरेपी। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमने मेयर की कि टीबी से कितने परसेंट जो है वो मर रहे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5% जो है वो लोग जो है मर रहे। अब हमने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दे दिया, अब हम मेयर करें कि आई एंटीबायोटिक जो है वो टीबी पे वर्क करता है कि नहीं। अगर हमने स्पेसिफिक एंटीबायोटिक दिए और उसमें जो है मोर्टिलिटी रेट हमारे पास कम हो रहा है तो हम कहते हैं कि बेनिफिट फ्रॉम द न्यू थेरेपी, मीन कि ये न्यू थेरेपी हमारे पास बेनिफिशियल है। सही है, तो ये हमारे पास प्रोपोर्शन है क्योंकि हम कहते हैं कि कितने प्रोपोर्शन, मैंने कहा कि टोटल नंबर ऑफ द डिजीज़ या डिजीज़ डायग्नोसिस, तो ये होल इसमें से कितने परसेंट जो है उसमें डिजीज़ का डेथ काज हुई है, तो ये हम बेसिकली प्रोपोर्शन है। सही है, हम कहते हैं केस फर्टिलिटी मोर्टिलिटी रेट सिंपल अगर मैं कहूँ कि हम कहते हैं कि कितने परसेंट को डिजीज़ हुआ है और उस डिजीज़ से कितने परसेंट मर गए, तो ये हमारे पास केस फर्टिलिटी रेट है। सही है, अब आता है डेथ टू काज रेशो के सॉरी डेथ टू केस रेशो। वही डेथ टू केस रेशो इज द नंबर ऑफ डेथ एट्रीब्यूटेड टू अ पर्टिकुलर डिजीज ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ डिजीज आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द सेम पीरियड ऑफ टाइम। आप इसमें देख सकते हो कि डेथ
टू केस रेशो हम कहते हैं कि हमारे पास कितने पर्टिकुलर केसेस पर्टिकुलर डेथ काजेज हुई है और न्यू केसेस कितने आए हैं। सही है कि हम कहते हैं कि डेथ जो है वो कितना परसेंट वो जो है वो डेथ काज हुआ है और न्यू केसेस हमारे पास कितने आए हैं। द नंबर ऑफ द डेथ टू अ पर्टिकुलर डिजीज टू अ न्यू केसेस ऑफ द डेथ, सही है। और ये भी हमारे पास रेशो है, सही है कि हम उसमें हम कर रहे हैं कि इसमें हम रेशो है, सही है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कहा कि बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज के हम उसमें कंपैरिजन कर रहे हैं, सही है। तो ये हम के अभी तक जो आज जो हमने पढ़ा वो मोर्टिलिटी, अगर मैं समराइज़ करना चाहूँ तो आज अभी तक हमने क्या पढ़ा, मोर्टिलिटी पढ़ा। मोर्टिलिटी बेसिकली हम डेथ रेशो की कहते हैं। इसमें टू टाइप है, एक जो है वो क्रूड स्पेसिफिक मोर्टिलिटी है, एक्यूट मोर्टिलिटी है, और जो है दूसरे स्पेसिफिक मोर्टिलिटी रेट। क्रूड मोर्टिलिटी कहते हैं कि हम जो है पॉपुलेशन में जितने काजेज जितने काइंड ऑफ डेथ हो, मीन ऑल डेथ को अगर हम मेजर करना चाहें तो उसको हम क्रूड मोर्टिलिटी कहते हैं। स्पेसिफिक मोर्टिलिटी मीन कि हम स्पेसिफिक ग्रुप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिजीज मीन कि टीबी से कितने लोग मरे, लंग कैंसर से कितने मरे, सही। इस तरह फिर हमने डिफरेंट टाइप में इसमें पढ़ा। लेकिन ऐसे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि इन्फेंटल मोर्टिलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट, पोस्ट न्यूनेटल मोर्टिलिटी रेट और डेड टू केस मोर्टिलिटी रेट, ये सारे हमारे पास रेशो है, सही है। और जो हमारे जो हमने पढ़ा केस केस जो फर्टिलिटी रेट था वो हमारे पास प्रोपोर्शन है। थैंक यू।